everyone, this is Vijaya Tiwari and welcome you all to E-Times TV. This is that time of the year when the entertainment quotient is high, curiosity level is high because Bollywood superstar Salman Khan returns to host the upcoming season of Big Boss. Yes, I am on the sets of Big Boss 16 and I'll give you exclusive tour of the Big Boss 16 house. So come with me. Newness is basically decided last year. Okay, Vanita decided कि इस साल होगा circus theme. ऐसा ठीक है. Creative जब आएंगे हम बताएंगे creative है. I mean a circus है. And the moment we said circus, we said yeah, because we know that you'll do a circus nicely only because I live in that Lala Land. हमेशा वही Lala Land होता है. लेकिन this time literally a Lala Land. It is circus. Welcome to my circus, our circus. You know. आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, ये जो बड़ा सा एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं ये सर्कस का ही थीम है. एज यू कैन सी देयर इज दिस बिग क्लाउन फेस जहां से बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मिलेगी. लेकिन यस, आप अगर अंदर आओगे तो आपको पता चलेगा कि दिस अ हैप्पी प्लेस, कलरफुल वर्ल्ड विच वी हैव फॉरगॉटन. सर्कस हम देखते देखते यू नो बचपन में देखते थे, मेरे बचपन में तो थे लेकिन आजकल के बचपन इतने बड़े हो गए कि उनको पता ही नहीं सर्कस क्या है. तो सर्कस इज अ वेरी नाइस कलरफुल हैप्पी प्लेस. यहाँ जोकर है या रिंग मास्टर है या राजा है, बादशाह है, रानी है, सब लोग हैं. कौन कब पलटी करेगा वो उसी में मज़ा है. इसमें सस्पेंस और नाइस एलिमेंट है जो मौत का कुआ, सब लोग सोचते थे मौत का कुआ क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है? बाइक चलता है तो वो जो ऊपर है वो ओके, और लेकिन उसके नीचे हमने नेट डाल दिया है तो वो क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं चलेगा. एंड यस, जैसे नुक्स एंड कॉर्नर्स जैसे बोल रहे हैं तो वो सरप्राइज एलिमेंट्स आर द बेसिकली नुक्स एंड कॉर्नर्स. वहाँ एक रूम है, वहाँ जाके कौन बैठने वाला, हमेशा यू नो वो कॉर्नर एवरी टाइम ऑक्यूपाइड होता है तो वो हमने ग्लास कर दिया है ताकि उधर सुनाई नहीं दे बात, कुछ ना कुछ तो होगा तो उस हिसाब से थोड़ा. तो यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है गार्डन एरिया में, इतने छोटे छोटे कॉर्नर्स बनाए गए हैं जहाँ पे बैठकर कंटेस्टेंट्स कैन शेयर देयर फीलिंग्स, दे कैन हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर एंड ऑल्सो दे कैन प्लॉट एंड प्लान अबाउट देयर नेक्स्ट मूव. वी सॉ सिमिलर रूम इन बिग बॉस सीजन 13, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का सीजन. येस, वॉर अ ग्रेट सीजन एंड इन अ सिमिलर मैनर दे हैव कंस्ट्रक्टेड अ रूम जहाँ पर बैठ के बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कंटेस्टेंट्स के बीच में बहुत सारी बॉन्डिंग हो सकती है जहाँ पे वो बैठ के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और अगर किसी को एलिमिनेट करना हो तो वो प्लान भी कर सकते हैं. सो दिस एज यू कैन सी अ वेरी कलरफुल, येट अगेन अ वेरी कलरफुल रूम जो टेंट की तरह है ऊपर से कंस्ट्रक्ट किया गया. This corner gives a very warm feeling और I'm sure Big Boss fans will agree with me. यहाँ दो दिल मिलेंगे, बहुत सारी बातें होंगी और शायद प्यार भी पनपेगा, बट वो प्यार कितनी कसौटी पे खरा उतरेगा, we will wait and watch. Another new element which has been added to the Big Boss house, इससे पहले आज तक हमने कभी नहीं देखा. ये एक corner है जहाँ पर again Big Boss contestants बैठेंगे, बातें करेंगे, प्लानिंग होगी या फिर रिलैक्स भी करेंगे. सो फाइनली वी आर डन विद द गार्डन एरिया एंड नाउ लेट मी टेक यू इनसाइड द बिग बॉस हाउस जहां पर सारा हंगामा, सारा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न शुरू होगा सलमान खान के साथ 1 अक्टूबर से. सो कम विद मी. है ना मजेदार, है ना कलरफुल, है ना वाइब्रेंट? यस, दिस इज द थीम ऑफ बिग बॉस 16 और सर्कस है तो कलर्स तो होंगे ही और आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली कलर्स को ऐड किया गया है. दिस इज दैट कॉर्नर ऑफ द हाउस जहां से कंटेस्टेंट्स हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं होस्ट सलमान खान के साथ, अपने कंप्लेंट्स, अपनी नाराजगी, अपने इश्यूज होस्ट के सामने रखते हैं.
अब सर्कस हैं तो एनिमल्स कैसे नहीं होंगे. हमने देखा गार्डन एरिया में दे हैव इंक्लूडेड न्यूमरस फैक्टर्स टू ब्रिंग दैट सर्कस एलिमेंट अलाइव. एंड यहाँ पर भी ये पीछे के वॉल में बहुत सारे एनिमल्स के फिगर्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. ये वो कॉर्नर है घर का जहाँ पे बहुत सारे खिचड़ी पकती है, प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, बिकॉज इट्स द किचन. सो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं. हर बार अगर आप आएंगे बिग बॉस का घर, अगर आपने देखा है, तो एंट्री पॉइंट के बाद ही हमें किचन के दर्शन होते हैं. कलरफुल थीम है, सर्कस थीम है, तो उसी तरीके से यहाँ पे कटलरी भी वैसी है. सो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो क्या है, क्या पोस्ट बॉक्स है? नो, दिस इज़ अ फ्रिज जो कंटेस्टेंट्स यूज़ करेंगे. अभी तो फिलहाल खाली है. देयर इज अ फ्रिज, इसको भी डिज़ाइन किया गया है सर्कस थीम को ध्यान में रखते हुए. देयर इज़ अ माइक्रोवेव जहाँ पे, यहाँ पे बर्तन धोने की कंप्लेन हमेशा कंटेस्टेंट्स करते हैं कि कौन बर्तन धोएगा, इस बात पे बहुत लड़ाई होती है. तो ये सिंक है. इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है, दैट दे डू जस्टिस टू द सर्कस थीम ऑफ द हाउस. इस टाइम हमने क्या किया ना, द होल डायनामिक्स ऑफ द प्लेस वी चेंज. जहाँ किचन था वहाँ लिविंग रूम आ गया, किचन अंदर चला गया है. अंदर आप जाके तब देखोगे डाइनिंग टेबल एक बड़ा सा करूजल है, उसके नीचे आप खाना खा रहे हो. एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड क्रेजीएस्ट पार्ट इज द क्रिएटिव गिव अ ब्रीफ कि आप बड़ा सा बेडरूम को ब्रेक कर दो. तो अभी चार अलग बेडरूम है, एक कैप्टन का बड़ा सा रूम है, मतलब पूरा जितना लाउंज था हमारा उतना कैप्टन का बेडरूम है. अब वो पानी के लिए सब लोग लड़ने तो वाले ही हैं. एंड वो चार बेडरूम में क्या होने वाला है वो मेरे को पता नहीं, वो क्रिएटिव का कॉल है. लेकिन एक फायर रूम है, एक ब्लैक एंड वाइट रूम है, एक कार्ड्स की रूम है और एक विंटेज रूम है. ऑल सर्कस एलिमेंट्स, लेकिन अंदर क्या होने वाला है वो मेरे को पता नहीं. स्टोरेज एरिया है जहाँ पर कंटेस्टेंट्स अपना सामान रखते हैं, जो भी वो सामान लेकर आते हैं, सूटकेसेस, कपड़े अपने, जो भी मेकअप का सामान होता है वो सारा वो स्टोरेज एरिया में स्टोर होता है, जहाँ पे काफ़ी बार स्पेस के लिए झगड़े भी होते हैं. आई थिंक बिकॉज द रूम्स एंड एक्री, आई थिंक 98 कैमराज आते बट बढ़ते जाएंगे बेसिकली, बिकॉज हर रूम डिवाइड हो गया तो मोर कैमराज हो गए. पहले एक हमेशा एक ही बेडरूम होता था, अभी पूरा डायनामिक्स ऑफ द प्लेस इज चेंज. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. There is another addition to Big Boss 16 house. This is a ring master area. I am guessing this will be a confession room, entry to the confession room. Big Boss का bedroom भी divide हो गया है. जी हाँ, housemates तो बाद में divide होंगे, bedroom को पहले divide कर दिया गया है. As you can see, this is the bedroom. Right behind me, we are entering into the Big Boss 16 bedroom. Walls पे fire का जो एलिमेंट है उसको लाया गया है और उसको अलाइव रखने की कोशिश किया गया है. और तीन बेड इस रूम में है. पीछे हमारे, कैन यू सी दैट एरिया, जहाँ पर अभी हम आपको लेकर जाएंगे, वो एक अलग बेडरूम है जहाँ पर दो बेड रखे गए हैं. तो वो एरिया क्या है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ. जितने मिरर्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे मिरर्स वॉल्स पे यूज़ किए गए हैं. हर बार की तरह इनके पीछे कैमराज होते हैं, आपको पता ही है, जो फुल टाइम इनके ऊपर नज़र रखते हैं, कंटेस्टेंट्स के ऊपर, उनके मूव्स के ऊपर. देखिए और एक बेडरूम. सो जैसे हमने देखा वहाँ पे पूरा रेड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट थीम है. उमंग कुमार ने कलर्स के साथ बहुत खेला है और आप देख सकते हैं अगर कोई रूम बहुत कलरफुल है तो ये रूम पूरा का पूरा ब्लैक, वाइट, सिल्वर, इस थीम को ध्यान में रख के बनाया गया है. ड्रॉर्स जो हैं, ये मिनी ड्रॉर्स हैं जहाँ पे कंटेस्टेंट्स अपना सामान रख सकते हैं, इमीडिएट सामान जो वो यूज़ करते हैं. सो हमने दो बेडरूम्स देख लिए, दिस इज़ द थर्ड बेडरूम. एंड यहाँ पर भी अलग कलर, अलग थीम और अलग मज़ा. इसका जो बैकड्रॉप है, अगर ये आप बैकग्राउंड देखें, इसमें काफ़ी सारा येलो, मरून, पर्पल का यूज़ किया गया है, काफ़ी लाइट कलर्स का यूज़ किया गया है. तो ये बहुत ही कमरा जो है वार्म फीलिंग देता है. सो नाउ अब हमने तीन कमरे देख लिए हैं, नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ रूम. कम विथ मी. सो हियर्स द फोर्थ रूम बिहाइंड मी, कम. ये काफ़ी स्पेशियस है दूसरे बेडरूम से. इस
में काफ़ी सारी जगह है, अगर आप देखेंगे बेड्स सिर्फ दो हैं, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है, यानी कि ये बेड दो लोग शेयर करेंगे और ये बेड एक, और इसको भी काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री बेडरूम्स। हमने ऐसा सुना है कि जो ये पोर्ट्रेट्स दैट यू कैन सी ऑन द वॉल, ये खुद के कलेक्शन से हैं उमंग कुमार के। यस, जैसे मैंने कहा इस बार कैप्टन की लॉटरी लगने वाली है, मेरे पीछे बेड देखिए, वाओ, आई मीन व्हाट अ बेड, है ना, किंग वाली फीलिंग मिलने वाली है पूरी की पूरी तरह इस बार कैप्टन को। आप बेड देखिए जिस तरीके से लाविश कलरफुल बेड बनाया गया है, कैप्टन के लिए खुद के लिए अपना एक प्राइवेट जकूजी भी है। द डिफरेंस अबाउट द बाथरूम, बाथरूम इज बेसिकली अ टेंट जैसे होता है ना सर्कस के पीछे जहाँ के चेंज कैसे करते हैं, तो उस तरह का हमने पूरा टेंट दिया, पिंक वाइट एंड ऑरेंज टाइप ऑफ फ्लेवर है, जहाँ बड़े बड़े मिरर्स है एंड वहाँ वो क्रेजी मिरर्स होते हैं जहाँ पतले दिखते हो, मोटे दिखते हो, छोटा दिखते हो, तो वो हमने डाल दिया आली में, तो ऑब्वियसली वहाँ मज़ा आएगा, यू नो, स्माइल ऑन टू अ फेस। मैं ट्राई करता हूँ और वनीता ट्राई करती है टू मेक पीपल हैप्पी, यहाँ के हैप्पी करते करते कितने चिढ़ने वाले हैं, क्या फेंकने वाले हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन दिस इज द वर्ल्ड, प्लीज़ कम एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। So get ready for all the action and adventure that Big Boss 16 is all set to offer you when Salman Khan returns to television to host yet another exciting season of Big Boss from October 1st. And for all the latest gossip updates from the Big Boss 16 house, stay tuned with E Times TV. This is me, Vijaya Tiwari, signing off with cameraman Dharmendra Mandal, Mumbai.